नमस्ते फ्रेंड्स, मेरी कुकिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मूंगरे की सब्ज़ी बनाना सीखेंगे। तो ये आलू और मूंगरे की सब्ज़ी है, कहीं कहीं पर इसको सींगरे भी बोला जाता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है, अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। जो ये सींगरे होते हैं तो ये मूली का फल होता है, तो कहीं कहीं पर इसको मूंगरे भी बोलते हैं और सींगरे भी बोले जाते हैं। और ये मैंने दो आलू लिए थे और इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है। तो देखिए, एकदम बारीक करके हमने इनको काटना है। अब इस तरह से कुकर में आलू और सींगरे को डाल देना है और इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच, छोटी चम्मच से नमक और थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक सीटी आने तक इनको उबाल देंगे। तो हमने सींगरे को उबालने के लिए रख दिया है। जब एक सीटी आ जाए तो गैस बंद कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने सींगरों को उबाल लिया है। तो देखिए पहले इनका कलर कैसा था और अब कैसा कलर हो गया है। तो अच्छे से सींगरे पक चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। पहले आलू को निकाल लेंगे। अब इनको हमें थोड़ा सा निचोड़ करके निकालना है, ऐसे देखिए। ऐसे ही सभी को निकाल लेंगे निचोड़ करके। तो देखिए, कलर जो था वो पानी में आ चुका है। अब देखिए, मैंने टमाटर कट कर लिया है, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने हरी प्याज कट किए हैं, और बेसिक मसाले, जो मसाले हम खाने में यूज करते हैं वही मसाले लेने हैं। अब इस तरह से मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और इसमें मैंने थोड़ा जीरा, थोड़ी राई और प्याज को डाल दिया है और अच्छे से भून लेना है। और फिर टमाटर को डाल देंगे और फिर इस तरह से चलाते रहेंगे अच्छे से। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूंगी 1.5 चम्मच, छोटी चम्मच से, धनिया पाउडर, थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और फिर अच्छे से मसालों को भूनना है टमाटर के साथ। और फिर इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और फिर इस तरह से अच्छे से मसालों को भूनना है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये सब्ज़ी। और जो सींगरे की सब्ज़ी आती है वो जाड़ों में ही आती है, और ये मूली जो होती है ना, ये उसका फल होता है। जो मूली हम सलाद वगैरह में खाते हैं या पराठे बनाते हैं, ये उसका फल होता है, फली होती हैं ये उसकी। और फिर इस तरह से अच्छे से मसालों को भूनना है। तो मसाला हमारा भून चुका है, ऑयल मसाले ने छोड़ दिया है। अब हम इसमें सींगरों को डाल देंगे और आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। अब इस तरह से इनको अच्छे से मिक्स करना है और इस तरह से अच्छे से चलाना है। अगर आप गरम मसाला खाते हो तो आप गरम मसाला भी इसमें यूज कर सकते हो। और इस तरह से अच्छे से सब्जियों को भूनना है। तो हमारी सींगर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम हरा धनिया काट करके डाल देंगे और ये सर्दियों की सब्जी होती है, अधिकतर ये सर्दियों में आती है ये सब्जी। तो इस तरह से हमारी सींगर की सब्जी तैयार है। तो फ्रेंड, थैंक यू, बाय।